हेलो एवरीवन, तो हमारे यूट्यूब चैनल ओके स्टडी में आपका बहुत बहुत वेलकम है। तो ये हमारा पार्ट 6 है, ठीक है। हम पार्ट 5 तक कर चुके हैं जीके सीरीज का 50 क्वेश्चन, तो ये सीरीज चल रहा है। ये पार्ट 6 है, हमने पार्ट 5 तक कवर कर लिया है। और आपने अगर नहीं देखा हो तो आप जाकर देख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मतलब फंस कर सकता है DTSC एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही मैंने लिया है और इसमें भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करना, वरना कौन सा क्वेश्चन छूट जाए कोई पता नहीं है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को तुरंत लाइक कर दें, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और पुराने हैं तो पास सही है, ठीक है। और मैंने साइंस का भी जीके साइंस का भी सीरीज स्टार्ट कर दिया है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और मॉडल पेपर भी मैंने कई हल कर दिए हैं, वहाँ आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाकर। तो बिना बकवास किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, CA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वो तो सबको पता होगा, CA का फुल फॉर्म चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। फिर है भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? तो भाई 18 साल, और डालना हो तो आपको उम्र 18 साल पूरा होना चाहिए। अगर किसी चीज़ की लाइसेंस लेना है तो आपको 18 साल पूरा होना ज़रूरी है। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948। वो आपको कमेंट करना है कि इनकी हत्या किसने की थी, महात्मा गांधी जी की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता था? तो पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र। अगला है, 1930 के प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या है था? तो दांडी यात्रा, ठीक है। 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा जो है सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या था? तो दांडी यात्रा। और बताइए, निम्नलिखित में किसे सीमांत गांधी कहा जाता था? तो अब्दुल गफ्फर खां को कहा जाता था, सीमांत गांधी, ठीक है। सीमांत गांधी किसको कहा जाता है? तो अब्दुल गफ्फर खां को कहा जाता था। अगर वंदे मातरम, ये थे ना वंदे मातरम, वंदे मातरम, तो ये कौन लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। वंदे मातरम गीत के लेखक थे तो बंकिम चंद्र चटर्जी थे। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो राजगोपालचारी थे, ठीक है, सी राजगोपालचारी। अगला है, सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर दोस्तों, अगर वीडियो आपको स्लो सुनाई दे रही हो तो आपको वीडियो आवाज़ वॉल्यूम को फुल कर दें, या आप ईयरफोन लगा के सुन सकते हैं। अगर मेरी एक ही राय है, अगर पढ़ना है सही से कॉन्सेंट्रेट करके तो लीड लगा के, नहीं ईयरफोन लगा के फिर पढ़ाई करें। और ऐसा नहीं कि फुल वॉल्यूम करके रखें सीलो, क्योंकि जो फुल वॉल्यूम करके हमेशा ईयरफोन नहीं सुनना चाहिए, कान जो है दर्द करने लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो बाल गंगाधर तिलक, ओके, बाल गंगाधर तिलक। मोहन जोदड़ो को निम्नलिखित नामों में से किस एक नाम से भी जाना जाता है? तो माउंट ऑफ डेड। शाहनामा किसकी कृति है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, शाहनामा किसकी कृति है? तो फिरदौस की कृति है शाहनामा। और आपको बताना है कि जो 50 क्वेश्चन हैं, 50 में से कितने क्वेश्चन आप कर पाते हो? 20 कर पाते हो, 25 कर पाते हो, 35 कर पाते हो, 40 कर पाते हो, ठीक है। आपको कमेंट करके बताना है, और आपको किस चीज़ की वीडियो चाहिए वो भी आपको कमेंट कर देना। हम प्रयास रहेगा हमारा कि आपको वीडियो प्रोवाइड कर दे जो आप चाह रहे हो, ठीक है। अगला है, फतेहपुरी सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे कहा जाता है? तो अकबर। राज्यसभा को अस्थाई सदन कहा जाता है क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? तो 1962, ठीक है दोस्तों, 1962।
दोस्तों क्लास 10th की जो है सारे सब्जेक्ट क्लास 10th तक प्रोवाइड होगा, ठीक है। तो इस चैनल से जुड़ जाना, और जो आपके जो भाई बहन है कोई भी हो, इस चैनल से कदम जुड़ गया। क्योंकि दोस्तों जो हमारा है, हमारा 90.5% हाई स्कूल में आया था, ठीक है, 10th में 90 यानी 90 के आसपास था, 3 नंबर कम था 540 में, ठीक है, 540 यानी 600 में मैंने 540 पे आया था, 3 नंबर कम। हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है, तो यूएसए, ठीक है, यूएसए। और मुझे प्राइज भी मिला था माननीय बृजभूषण जी के हाथों से। अगला है, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है, 6 महीने के लिए, ओनली 6 महीना, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा देता है, तो 370। अगला है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है तो 6 वर्ष। फोर्थ स्टेट पद किसे संदर्भित करता है, तो प्रेस को। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर एस राधा कृष्णन, ठीक है, डॉक्टर एस राधा कृष्णन। फिर रिचर पैमाने पर निम्नलिखित में किसको मापा जाता है, तो भूकंप की प्रबलता। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ तुरंत वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। एक आपकी एक लाइक हमारे लिए बहुत इमोशनली इम्पोर्टेंट है, ठीक है। भारत के उत्तरी मैदान की मृदा समानता कैसी बनी है, तो तलोचन द्वारा। भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर वी कुरियन को कहा जाता है। दोस्तों 7 मिनट का वीडियो हो गया है, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं बनाना है वीडियो, आपकी भी टाइम भी आपका भी टाइम बचत हो और ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए। रणथंभौर चीता संरक्षण स्थल कहाँ पर है, तो राजस्थान में है। अगला, भारत किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो बिहार, ठीक है, बिहार। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, तो तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से, ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हुआ है। अगला है, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है, तो उत्तर प्रदेश, ठीक है, अपना राज्य है उत्तर प्रदेश। अगला है, भारत में सबसे लंबा रेलवे कौन जोन कौन सा, तो उत्तरी रेलवे। अगला है, भारत उन निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है, तो लोहा, ठीक है। 280 क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रुपये का पहचान चिन्ह है, तो ये सिंबल बना हुआ है इस तरह का भारतीयों का। ग्रेसम नियम से अभिप्राय है, तो निकृष्ट मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा को संचालन से हटा देती है, ठीक है, जो निकृष्ट मुद्रा होती है वो श्रेष्ठ मुद्रा को संचालन से क्या करती है, हटा देती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा उगाहा तथा विनियोजित किया जाता था, तो स्टाम्प शुल्क, ठीक है। वर्ष 2010 में फोर्ब्स 2000 सूची में भारत की कुल कितनी कंपनियां शामिल थी, तो 56 यानी 56, ठीक है, 56। अगला है, तेजड़िया और मंदिरिया वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित, स्टॉक मार्केट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टॉक मार्केट। निम्नलिखित में कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती है, तो आयकर। निफ्टी निम्नलिखित में किससे संबंधित, तो NSE सूचकांक से, निफ्टी जो है NSE सूचकांक संबंधित है। विश्व परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है, तो भारत, इंडिया दोस्तों यानी अपना देश। अगला है, निम्नलिखित में तो हार्ड करेंसी का क्या अर्थ है, तो भाई वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग के अपेक्षा कम हो। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव, तो भाई त्रिगवेली हैं, ठीक है, त्रिगवेली थे। निम्नलिखित में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का 193वां राष्ट्र है, तो दक्षिणी सूडान। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है, तो बान की मून है, ठीक है। इतनी मेहनत से मैं वीडियो बना रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ, ये कह रहा हूँ वो कर रहा हूँ, अगर इसका वीडियो का अगर फायदा ना मिला तो मुझको वीडियो बनाना बेकार है, ठीक है, अगला वीडियो नहीं आ सकता है। अगर आपको रिस्पॉन्स मिलेगा इस वीडियो पर तो अगला वीडियो बनाऊंगा, वरना कोई बात नहीं, फालतू में मेहनत नहीं बर्बाद करनी भाई।
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मुझे भी फ़ायदा हो कि हाँ कुछ फ़ायदा हो रहा है इस वीडियो से। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है तो 15 होती है। ओके, 294 क्वेश्चन है। फरवरी मार्च 2010 को नई दिल्ली में संपन्न विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट का खिताब जर्मनी को फाइनल में हरा किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया। सचिन तेंदुलकर ने जनवरी 1911 में टेस्ट क्रिकेट में 51वां शतक किस देश के विरुद्ध बनाया? तो दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध बनाया। समाचारों में बहुत चर्चित वाडा कोर्ट संबंधित है तो खेलों से संबंधित है। बैटिंग ब्लॉक शब्दावली किस खेल से संबंधित? तो कबड्डी। और कबड्डी में आपको बताना है कितने खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, अगले बार आया था 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होगा? तो लंदन में होगा। कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो मैंने आपको बताया कमेंट में, तो 7 होते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से पुरस्कार दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है खेलों में, अर्जुन पुरस्कार। तो ये हमारा 6वां पार्ट भी समाप्त होता है। अब आएगा इसका 7वां पार्ट। अगर 6 पर रिस्पॉन्स मिलेगा अच्छा तो 7वां बनाऊँगा। ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो सॉरी यार, वीडियो थोड़े लेट में बन सकती है। लेकिन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।